देश के तमाम राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। सीएम बघेल की जगह गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत में कोरोना के दूसरे लहर की आहट केंद्र सरकार को भी सुनाई दे रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बैठक की। इस मीटिंग में कोरोना को रोकने भविष्य के नीति निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा में छत्तीसगढ़ की ओर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा है कि जनता को जारी निर्देशानुसार सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ की स्थिति से भी अवगत कराया। पीएम मोदी ने प्रदेश में टीकाकरण में तेजी लाने की भी बात कही। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव शहरों में ज्यादा था, जो अब गाँवों की ओर रुख कर चुका है। सबको ये कहा गया कि आप अपने स्टेट में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार निर्णय लें। मूल बात यह है कि ये फैले मत, और उसके लिए मास्क, दूरी, सैनिटाइज, इसको आप लोग पालन करवाएं अपने यहाँ। हर स्तर पे आप लोग चर्चा करके, एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि बड़े शहरों का पहले राउंड में हम लोगों ने किया है, गाँव को बचा के रखा। इस बार जो फैल रहा है वो छोटे शहरों में हो रहा है। अगर उसको नहीं रोका गया और गांव तरफ गया तो बड़ा मुश्किल होगा, ये बात जरूर उन्होंने कही। देश में कोविड 19 के एक दिन में 28,903 नए मामले सामने आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमण लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,38,734 हो गई है। ऐसे भयावह आंकड़ों के बीच अब तक लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को कार्रवाई के हथकंडे अपनाना समझ से परे है। लोगों को अपने स्तर पर गाइडलाइन का पालन कराना होगा और सावधानी बरतनी होगी, तभी कोरोना वायरस को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।